अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसमा और आप देख रहे हैं आसमास कुकिंग स्पॉट, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं कोकोनट चिकन करी। बहुत ही सिंपल, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली सब रेसिपीज आपको फ्री में मिले। तो आज की ये रेसिपी बनाते वक्त आप सोचेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, यानी हमने किया कुछ भी नहीं और इतने मज़ेदार रेसिपी बन गई। तो चलें जनाब, आज की कार्रवाई का आगाज करते हैं और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे हाफ कप योगर्ट। वन टेबल स्पून जिंजर पेस्ट और इसके साथ ही जाएगा वन टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। इसमें बहुत थोड़े से स्पाइसेस डलते हैं, जैसे कि वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। इसके साथ इसमें कलर के लिए डालेंगे वन टीस्पून पेपरिका पाउडर, वन टीस्पून इसमें क्यूमन पाउडर जाएगा, जीरे का पाउडर। इसके साथ वन टीस्पून इसमें जाएगी व्हाइट पेपर। और अब रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कोकोनट मिल्क पाउडर, ये मैं इसमें डालूंगी टू टेबल स्पून। और चलिए मिक्स करते हैं। अच्छा, अगर आपको कोकोनट मिल्क पाउडर घर में अवेलेबल नहीं है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास जो खोपरा पड़ा हुआ होता है उसको आप एक घंटा पहले बस पानी में भिगो दीजिए, वो नरम हो जाएगा। उसको चॉपर में आप जब चॉप करके छान लीजिएगा तो उससे जो मिल्क बनेगा ना, वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन अगर वो बनाना है तो तकरीबन आधा कप डाल लीजिएगा। चलें, अब एक पैन में हमने ले लिया है हाफ कप ऑयल। ऑयल मीडियम लो फ्लेम पर है। चलें, इसमें हम गरम मसाला डालते हैं। ये तीन चार दाने लौंग के डालेंगे, थोड़ी सी इसमें जाएगी काली मिर्च साबुत वाली, और तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें डाल जाएगा ज़ीरा, और एक छोटे साइज का करी पत्ता। चलें, 8-10 सेकंड के लिए इसको ऑयल में घुमा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो कड़कड़ा जाए। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। मैंने सिर्फ चिकन लेग्स ली हैं, आप चाहें तो साबुत चिकन भी ले सकते हैं। इसका वज़न लगभग 1.5 किलो के करीब है, क्योंकि लेग्स बोन के साथ हैवी होती हैं, लेकिन ये 1.25 किलो से 1.5 किलो चिकन की रेसिपी है। चलिए, अब हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं स्पाइसेस के साथ और ऑयल के साथ। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पर है। इसको बहुत हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना इसकी आउटर लेयर जो है वो डार्क हो जाएगी। देखें, जैसे जैसे हमारा चिकन फ्राई हो रहा है ये अपना कलर चेंज करता जा रहा है। अब ये लाइट सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो देखें, अब जब इसका ऐसा कलर हुआ है, इस वक्त हम इसमें वो जो मसाला मिक्स बनाया था ना हमने सारा, वो ऐड कर देंगे। चलें, सारा मसाला चला गया है इसमें, हमने खूब अच्छे से बॉल को साफ कर लिया है। तो चलें इसको मिक्स करते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमने चिकन को मैरिनेट नहीं किया हुआ, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना था, क्योंकि अगर वो बहुत ब्राउन हो जाता ये तो ये जो मसाला अब हमने डाला है इसने चिकन में अब्जॉर्ब नहीं होना था। तो अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन पर कोट हो जाए। तो चलें, इसको हम कवर कर लेते हैं और तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हाई फ्लेम करके इस पर पकाते हैं। तो चलें खोल के देखते हैं, और ये देखिए चिकन में कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। दरअसल इसमें जो योगर्ट गया था और फिर कोकोनट मिल्क का जो हमने पाउडर डाला था, उस सब ने मिलकर चिकन के साथ उसका अच्छा खासा वाटर जो है वो रिलीज़ हुआ है इसमें से, और ये बहुत ज़्यादा हमें मॉइस्चर मिल गया है जो हेल्प करेगा हमें चिकन को गलाने में। चलें, चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा पक रहा है, इसको फिर कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो चलें 5 मिनट बाद खोल कर देखते हैं, और ये आप देखें बोन्स से चिकन थोड़ा थोड़ा जो गोश्त है इसका अलग होना शुरू हो गया है।
इससे पता चल रहा है कि चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल रहा है। चलें फ्लेम को हाई कर लेते हैं ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाए और थोड़ा सा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। चलिए पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया है इसमें, और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि नमक जो है वो सारी बोटियों पर खूब अच्छे से लग जाए। और इसके अंदर जाएगा 1/4 कप फ्राइड ऑनियन का। अनियन हम इसमें बहुत थोड़े से डालेंगे जस्ट टू एक फ्लेवर के लिए। इसके अंदर अगर हमने ज़्यादा ऑनियन डाल दिए तो वो कोकोनट के फ्लेवर को ओवरपावर कर जाएंगे। चले हमारे मसाले की और चिकन की खूब अच्छे से भुनाई हो रही है हाई फ्लेम पर। तो चले अब इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो हमने चीजें बाद में ऐड की हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखें ये बहुत अच्छे से भुन गया है, ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है जो हमने शुरू में डाला था। जब चिकन का ऑयल इस तरह से अलग हो जाए और मसाला साइड पर हो जाए तो इसको हमने हल्की आंच कर आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते रहना है। अगर फ्लेम हाई करेंगे तो इसमें हमने जो कोकोनट का डाला हुआ है पाउडर है इसके अंदर वो जो है नीचे लगना शुरू हो जाएगा और इसके साथ सालन में हीक आ जाती है। चलें फाइनली इसके अंदर हम डालेंगे हैवी क्रीम का 1/4 कप। वो इसको मजीद क्रीमी टेक्सचर देगा और इसके अंदर एक बहुत ही यमी सा जायका लेकर आएगा। लेकिन अगर आपके पास टेबल क्रीम या हैवी क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई होती है ना जो आपने दूध पर से उतार के रखी है वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तकरीबन 4-5 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले के अंदर हैवी क्रीम भी मिक्स हो जाए और बहुत क्रीमी क्रीमी सा चिकन बन जाए हमारा। तो ये ऑलमोस्ट बन गया है, बस इसको हम 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि जो चीज़ें बाद में डली हैं वो पहले वाली चीज़ों के साथ हेलो हाई कर लें और एक अच्छा सा जायका बना दें। अगर आपका दिल चाहे जैसे मेरा दिल चाह रहा है कि इसको थोड़ी सी ग्रेवी बना ली जाए तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप यानी कि 4-5 टेबल स्पून पानी के डाल दिए हैं जिसके साथ ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। अदरवाइज़ ये थिक भी ऐसे भी खाया जा सकता है, मसाला सिर्फ चिकन की बोटियों के साथ लगा हुआ हो तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चले 2-3 मिनट के बाद हमने देखा है कि ये खूब अच्छे से पक रहा है। और ये देखें खोल के चेक किया है हमने तो इसका मसाले में से वाइट कलर और सब खत्म हो गया है और बहुत अच्छा सा मसाला एक नज़र आ रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। खुशबू के लिए ऑप्शनल है कि आप 1/2 टीस्पून मेथी लेकर इसके ऊपर छिड़काव कर दें हल्का सा तो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। नहीं आपको पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा आपने देखा है कि कोकोनट और योगर्ट और हैवी क्रीम इन सब ने मिलकर इसका बहुत ही एक क्रीमी टेक्सचर तैयार किया है। इसके अंदर चूंकि स्पाइसेस बहुत मिनिमम हैं इसलिए बच्चे भी और वो लोग जो ज़्यादा तेज़ स्पाइस लाइक नहीं करते वो इसको बहुत शौक से खा लेते हैं। आप इसको चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी एडिशन है चिकन रेसिपीज़ में। तो एक दो ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर लें, ज़्यादा तेज़ ना हो, बस एक फ्लेवर के लिए। और चलें ये बिल्कुल रेडी हो गया है तो इसको डिश आउट करते हैं। तो आप इसकी क्लोजर लुक में देख सकते हैं कि चिकन को हमने मैरिनेट नहीं किया था लेकिन इसके बावजूद चिकन कितने अच्छे तरीके से रोस्ट हुआ हुआ लग रहा है। स्पाइस जो है उसने बिल्कुल बहुत अच्छे से कोटिंग की है चिकन के ऊपर। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलें अब हमारी रेसिपी को गार्निश करके प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है। अगर इसमें ग्रेवी नहीं है तो सिलेंट्रो बीच में नहीं डालिएगा, सिर्फ इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से जैसे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ इस तरह से दरमियान में आप थोड़ा सा सिलेंट्रो रख के कलर ऐड कर लें, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ थोड़े से इसके ऊपर तिल जो होते हैं सेसमी सीड्स वो छिड़क लें, उससे इसकी प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लगती है। तो जनाब ये है हमारी रेसिपी की फाइनल लुक।
और आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी मजेदार लग रही है। जिसका नहीं भी दिल करता खाने को उसको भी भूख लग जाती है इसको देखकर। तो चलें इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें फिर मिलेंगे किसी बहुत ही मज़ेदार और फन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।